नारायण 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 संध्या की बेला है, होठ बंद, जीभ दांतों के मूल में, जीभ का आगे का हिस्सा, जीभ की नोक दांतों के मूल में, श्वास भीतर जाए, शांति बाहर आए, गिनती, मन की चंचलता जितनी कम उतना ही वो व्यक्ति महान होता है। मन के संकल्प विकल्प जितने कम उतना ही वो मनोबल वाला, बुद्धि बल वाला बनता है। बुद्धि के दोषों को ध्यान के द्वारा और मन के विकारों को ध्यान के द्वारा जानकर उन पर विजय पाने वाले योगी पुरुष पूजनीय हो जाते हैं। मन ही हमारे बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुषाराणां कारणं बंधमोक्षयोः। भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मी रिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मे शत्रुवत्। जो अनात्म वस्तुओं में हमारा मन रमण करता है सुख के लिए, तो हमारा शत्रु बन जाता है। मनुष्य अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। बिना शांत मन के निर्णय और भोग वासना के पीछे बहते गए तो अपने आप की तबाही करने वाले हम हो जाते हैं। और मन को संयत करके शास्त्र के अनुसार निर्णय और कर्म किए तो हम अपने आप के मित्र हो जाते हैं। दुनिया भर के सभी मित्र मिलकर उतना भला नहीं कर सकते जितना हमारा शांत मन, मौन संपन्न मन, शुद्ध मन जितना हमारा मंगल कर सकता है, उतना दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनापति मिलकर भी हमारा उतना मंगल नहीं कर सकते। और हमारा विकारी मन, अजीता हुआ मन, चंचल मन जितना हमारी तबाही कर सकता है, उतना दुनिया के सभी राष्ट्रपति मिलकर भी हमारी तबाही नहीं कर सकते। सभी सेनापति मिलकर भी हमारी वैसी तबाही नहीं कर सकते। सभी प्राइम मिनिस्टर मिलकर भी हमारी वैसी तबाही नहीं कर सकते। बहुत बहुत तो फांसी चढ़ा देंगे, एक ही जन्म को 10-5 साल पहले भेज देंगे और क्या कर डालेंगे। लेकिन मन अगर अजीता हुआ है, मन में अगर साधन भजन की दिशा नहीं है, तो हमारा मन राजा नृग जैसे को क्रिकेट की योनि में ले गया। ब्राह्मण पुत्र धुंधुकारी को घोर पिशाच योनि में ले गया उसका मन। ऐसे इतिहास में कई कई कथाएं और दृष्टांत मिलते हैं। सर्प योनि में चला गया कोई, कोई अजगर की योनि में भटक गया राजा अज। तो मन को इतनी छूट ना दे, मन को इतना उच्छलंक न बनाए कि वो हमारा स्वामी बनकर हमें दबाकर भटकाता रहे। मन को शांत करने का, शुद्ध करने का प्रतिदिन अभ्यास थोड़ा बहुत अवश्य करना चाहिए। मौन से मन का बहुत मंगल होता है, बुद्धि का विकास होता है, मौन से शक्तियों का संचय होता है।
जब बोलना पड़े तो विचार के बोले, सार गर्भित बोले, प्रसंग उचित बोले, हो सके तो 40 दिन का मौन रखें, 3 महीने का 90 दिन का मौन रखें। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो रोज कुछ घंटे तो मौन में बिताएं। रात्रि को सो जाते हैं मौन दशा में, अनजाने में होते तो सुबह स्फूर्ति, शक्ति, थकान मिटती है, लेकिन वहां अविद्या का पर्दा होता है, तमस की प्रधानता होती है। जागृत में अगर मौन का अभ्यास किया जाए तो मन की शुद्धि और दोषों की निवृत्ति, सामर्थ्य की प्राप्ति और सद्गुणों का विकास सुगमता से होता है। न बोलने में नवगुण, मौन की भाषा, शांत हिमालय देखो मौन का संदेश दे रहा है, विशाल आकाश मौन का संदेश दे रहा है। अब सीख ले मेरे मन मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। मौन का माधुर्य एक बार मन को लग जाए चस्का तो जगत के तमाम चस्के तुच्छ हो जाते हैं। सुबह दोपहर और शाम को मन को मौन रखने का अभ्यास, संध्या का दूसरा नाम है ध्यान, ध्यान का पहला नाम है संध्या। त्रिकाल संध्या करते थे पूर्व काल में ऋषि मुनि ब्राह्मण और सदग्रस्त लोग भी। जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनको रोजी रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। त्रिकाल संध्या में प्राणायाम और ध्यान का समावेश होता है। ध्यान में मौन, एक संत ने बहुत सारे रोगियों को उस मौन की शक्ति से ठीक किया। मेरे पास, हम डीसा रहते थे तब, एक साधु आया, फुट फुट के रोया, मेरे से बड़ी उम्र का था, सन्यासी था। बोले महाराज मैं तो लुट गया, मेरा ये हो गया, जो लोग मेरे को भगवान करके मानते थे पूजते थे वही लोग मेरे विरुद्ध पड़े, अभी कोई मेरे सामने नहीं देखता। तो मैं तनिक मौन शांत हो गया। मैंने कहा महाराज तुमने त्राटक की साधना की थी कि नहीं की थी? बोले हाँ बाबा जी, त्राटक करने में एकाग्रता होती और एकाग्रता से शक्ति संचय हुआ, कोई आया और तुमने पानी में देख के दे दिया और उसको ठीक हो गया तो तुमको भगवान मानने लग गया, कोई आया और तुमने कुछ प्रसाद उठा के छू के दे दिया तुम्हारे संकल्प से प्राण शक्ति उसमें संचारित हो गई वो ठीक हो गया तो आपको मानने लगे, बाद में आपने ध्यान करना कमाई करना छोड़ दिया और खर्च हो गया तुम ठन ठन पाल जैसे कंगाल सेठ को कोई नहीं पूछता है, कुर्सी से पटकाया हुआ पार्टी से झटकाया हुआ नेता को कोई नहीं पूछता है, ऐसे मौन का सामर्थ्य खोए हुए तुम्हारे को कौन पूछेगा? महाराज फिर से आप कमाई करो तो आपको फिर वो ही हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये कमाई करके पूजवाना ये कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। कमाई करके, कमाई का फल जहाँ से आता है उस फलदाता में अपने मैं को ऐसा मिला कि जैसे बूंद सागर में मिल जाता है, तरंग उदधि में मिल जाता है, घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, फिर पतन का गुंजाइश नहीं, फिर कोई डर नहीं। दूसरे एक साधु थे, उनके ऐसे सचोट प्रयोग थे कि ध्यान के द्वारा मौन, ध्यान के द्वारा रोग मिटाने की युक्ति वो खोज लिया उन्होंने। कैसे भी कहे खतरनाक रोग हूं वो बाबा जी ठीक करने की सलाह देते, ऐसा कोई करे तो ठीक हो जाता था। सुबह बैठे तो श्वेत रंग का ध्यान करें, सूर्य का या श्वेत वस्त्र भगवान को पहने, गुरु को श्वेत का ध्यान करें, सफेद रंग का ध्यान करें, दोपहर को लाल का,
और शाम को काली माता का अथवा काले रंग का ध्यान करें। इससे वे गुण विकसित होते हैं और इसके साथ साथ दोनों ऊपर और नीचे के दांत मिला दिए और दांत के मूल में जीभ की नोक लगा दे और जो रोग है उस रोग के विपरीत की भावना करे अथवा तो मैं निरोग हूं ऐसी भावना करे ध्यान में तो लोगों को फायदा हो जाता था। दूसरे एक बाबा है थे इंदिरा गांधी की गुरु जिनके पास सत्संग सुनती और मत्था टेकती दक्षिणा देती ऐसे अखंडानंद महाराज उस बाबा के पास गए थे। मैं नहीं गया था मुझे पता नहीं था। वो बाबा ऐसे अलमस्त थे कि लान पे बैठे रहते थे धूप पे बैठे रहते थे हरे घास पे। कोई निकट का भगत आया और बोले गुरु महाराज अब आजकल तो बड़ी तबीयत ऐसा हो गया वैसा हो गया। गुरु महाराज देखते के सेवा भावी अच्छा बेटा ले तिनखा उठा के दे दिया बोले घोट के थोड़ा कुछ डाल के मिर्च मसाला अथवा शायद पी लेना और तिनखा दिया और उसको फलानी बीमारी थी ठीक हो गया। दूसरा आया दूसरे को ढींगणी बीमारी थी तीसरा आया उसको तीसरी बीमारी चौथा आया चौथे किस्म की बीमारी। जिसको जो भी बीमारी हो बाबा जी ये तिनखा तोड़ के दे देवे और वो घोल के अथवा तो चाट के या कैसे भी कह दे वैसे वो करे वो आदमी ठीक हो जाते। अखंडानंद को आश्चर्य हुआ कि सभी को सब दुखों की एक दवाई तिनखा घोल के ले लो भाई तड़खला एक तिनखा हरे घास का बस। आखिर अखंडानंद से रहा नहीं गया और एक दिन पूछ बैठे कि महाराज बहुत प्रकार के आपके भक्त हैं और कई किस्म की बीमारी की बात लेके आते हो लेकिन सबको आप वही धूप वही घास का टुकड़ा तोड़ के दे देते हो और वो लोग ठीक हो जाते हैं हमने जांच की। तो बाबा जी इसका रहस्य अगर आप कृपा करके बताएं तो अधिकार हो तो बता सकते। बाबा ने कहा कोई बात नहीं इसमें क्या है शरीर में पांच भूत है पांच भौतिक शरीर है और तिनखे में भी पंच भूतों का अंश है तो मैं वो तिनखा तोड़ता हूँ और संकल्प कर देता हूँ कि जिस तत्व की कमी वैसी हो वो तत्व ठीक हो जाए उसकी श्रद्धा और मेरा संकल्प है वो ठीक हो जाता है इसमें क्या बड़ी बात है। दूसरे एक संत विशुद्धानंद उनका नाम था योगी विशुद्धानंद कलकत्ता के पास उनकी एक छोटी मोटी डेरा था संस्था थी। 1934 की बात है। उन संत को उनके शिष्य राजा ने कहा कि महाराज महाभारत में प्रसंग आता है और शास्त्रों में आता है कि भगवान आदि नारायण की नाभि से कमल की नाल निकली फिर कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प करके सृष्टि किया। क्या महाराज आदि नारायण के नाभि से कमल निकले ये अलंकारिक भाषा होगी या सत्य ऐसे ही होगा। महाराज ने कहा शास्त्र समझ में नहीं आता तो संदेह न करो अश्रद्धा मत करो ये तारण आहार शास्त्र में व्यर्थ का संदेह न करो। क्या बड़ी बात है ये तो हम भी तुमको दिखा दें अभी भक्तों के सामने ही महाराज एक पलंग पे लेट गए विशुद्धानंद परमहंस। विशुद्धानंद परमहंस के विषय में गोपीनाथ कविराज जो आनंदमय माँ का भी भगत था और उस विशुद्धानंद संत के पास भी जाता आता था उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा थी और आनंदमय माँ के चरणों में इंदिरा और नेहरू ने खूब फायदा लिया। तो बाबा जी वो लेट गए देखते देखते कमल की नाल नाभि से निकली धीरे धीरे एक हाथ तक मतलब पौने तीन फीट तक वो नाल उभरी कमल का फूल खिला। बाबा ने कहा ये नाल में छत तक पहुंचा सकता था लेकिन बादल नहीं होते तो
ये सूर्य उपासना का विज्ञान है बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग भी कर सकते, तो आदि नारायण के संकल्प में क्या नहीं हो सकता है। तुम भी तो रात्रि को सपने में कितना कुछ बना देते हो, तुम्हारी आत्मा का सामर्थ्य अद्भुत है। ये मन की चंचलता ने और बेवकूफी ने जीव को तुच्छ बना दिया। थोड़ा सा संयम करे, थोड़ा सा एकाग्र हो, मौन हो, तो देखो तुम्हारे में भी वो सामर्थ्य है। बोले महाराज, ऐसा भी हमने सुना है कि अग्नि अस्त्र था, अग्नि का मंत्र पढ़कर देते थे, आग आग हो जाती थी, फिर सामने वाला शरणागत हो जाए अथवा सामने वाले के पास विद्या हो तो मेघ अस्त्र वर्षा मंत्र पढ़ता और वो अग्नि बुझ जाती थी, अथवा तो किसी को तेज आग लगानी तो वायव मंत्र पढ़ के, हवा का मंत्र पढ़ के दे मारता तो चारों तरफ आग फैलती। ऐसा भी महाभारत काल की बातों में आया है। हम बोले तुम बिल्कुल बालकों जैसी बात करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वो सामने घास, जंगली घास के वो पौधे खड़े ना, सरकंडे ले आओ, 5-7 तोड़ के, 5-7 सरकंडे तोड़ के लाए। सोटियां होती है, जैसे दातुन वाले सोटी दातुन की सोटी लाते हैं, ऐसे ही सरकंडे लाए। बाबा ने मंत्र अभिमंत्रित करके एक सरकंडे को मजबूत धनुष बना दिया, बराबर खड़ा हो गया। दूसरा सरकंडा सीधा सा उसके ऊपर रख दिया और बाबा ने कहा देखो अब अग्नि मंत्र पढ़ता हूं और सामने वाला जो बड़ा दरकत है उसमें आग लगेगी, देख लो। बाबा ने दे मारा और आग बुझे सरकंडा से, उसको स्पर्श होते ही अग्नि पैदा हुई, आग आग आग। बाबा के इस योगिक सामर्थ्य, एकाग्रता और सूर्योपासना विद्या का सामर्थ्य देखकर भक्त दंग रह गए। बाबा ने कहा ये तुम्हारे लौकिक फायर ब्रिगेड कितनी भी आ जाए आग नहीं बुझेगी, अब देखो इस आग को फैला देते हैं। वायव मंत्र पढ़कर तीसरा सरकंडा रख दिया, आग भगु भगु, देखो कहीं आहित न हो जाए। अब मैं जलीय मंत्र पढ़ता हूं, चौथा सरकंडा उठाया और मानो पानी पड़ा ऐसा हुआ और सब बुझ गया। जले हुए पेड़ की राख तो हाथ में मिली, लेकिन ये लौकिक ढंग से बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन आत्मज्ञान के आगे इनका भी कोई ज्यादा महत्व, आत्म साक्षात्कारी पुरुष नहीं मानते। एक बार धृतराष्ट्र बड़ा चिंतित सा बैठा था, धर्मात्मा युधिष्ठर ने उन्हें कहा कि आप पिताजी इतने दुखी और चिंतित हो। बोले युधिष्ठर, एक मुझे ये होता है कि मैंने अपने पुत्रों को देखा नहीं और वे युद्ध में मरे गए, न जाने कौन सी गति हुई होगी, स्वर्ग गए होंगे कि नरक में पड़े होंगे कि प्रेत होके भटकते होंगे, मुझे बड़ा अफसोस है। नहीं मैं बता देता हूँ। युधिष्ठर ने तनिक देर में कह दिया कि इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने योद्धे तो स्वर्ग में और इतने हजार योद्धे तो यक्ष योनि में, गंधर्व योनि में भटक रहे, और अमुक अमुक इतने जो है, इतने हजार, इतने सौ, इतने योद्धे अभी सदगति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहे। धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठर तुम तो सत्यवक्ता हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे, ये तो मुझे पक्का है, और तुम योगी नहीं हो, राजा हो, तो ये तुम कैसे बताते हो कि इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ और इतने स्वर्ग में है, इतने लाख, इतने हजार, इतने प्राणी किन्नर और गंधर्व योनि में है और इतने प्रेत योनि में है, इतने ऐसे हैं, ये तुम कैसे बता सकते हो। युधिष्ठर ने कहा पिताजी, हमको जब 12 वर्ष वनवास मिला था तो एक योगी पुरुष का दर्शन और सत्संग मिला था, उस योगी पुरुष से अनुस्मृति विद्या हमने सीखी, अनुस्मृति विद्या के द्वारा हम बताने में सफल हुए। दूसरा भी प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ये धृतराष्ट्र छोड़ छाड़ कर सप्त सरोवर के एरिया में चले गए थे,
दयालु व्यास ने उनको सांत्वना देने के लिए वहां प्रकट होकर दर्शन दिया। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे स्वर्ग में गए हुए कर्ण दुर्योधन आदि पुत्रों को मैं फिर से एक बार देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं जरा विषाद में ग्रस्त हूँ। व्यास जी को दया आ गई। व्यास ने कहा ठीक है, मैं आपको उनसे बात करवा देता हूँ, बुला लेता हूँ। आपकी कुछ खास बहुएं भी हों जो पति के लिए तड़पती हों, उनको भी आप बुला लो। मैं फलानी तिथि को आऊँगा और जो स्वर्ग में चले गए उनको हम बुला के आपसे बातचीत करवा लेंगे। तिथि के अनुसार व्यास भगवान प्रकट हुए। वे कारक पुरुष थे, योग शक्ति, ज्ञान शक्ति। जैसे संजय पर हाथ रख दिया तो संजय को घर बैठे युद्ध तो हुई है कुरुक्षेत्र में, और दिल्ली में घर बैठे देख रहे हैं ये हुआ। कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन ने ये पूछा। उस समय दूरदर्शन नजीक दर्शन नहीं था, लेकिन दूरदर्शन दूर श्रवण की सिद्धि अभी भी कई योगियों के पास होती है। लेकिन जो सच्चे आत्म सुख के यात्री हैं वे इन सिद्धियों के लिए साधना नहीं करते, वे तो सीधे ही परमात्मा समता में पहुंच जाते। इसका रास्ता थोड़ा अलग से है। बाबा जी आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि नहीं है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आपके सिवाय, बस आप ही आप हो। नारायण नारायण नारायण, आप ही आप हो, आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप, तू ही तू। व्यास जी आए और जैसे कुंभ मेला में साधु लोग नहाकर बाहर निकलते हुए तो गंगा जी में खलबली पैदा होती है, ऐसे ही संध्या के बाद व्यास जी ने अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से, उसने अनुस्मृति विद्या से जाना कि इतनी इतनी स्मृति, ये प्रतिस्मृति विद्या के बल से उन योद्धाओं का आवाहन किया और योद्धे आए। जैसे सजदज के युद्ध करने गए थे उसी रूप में वे आए, लेकिन एक फर्क था स्वर्गीय कुंडल पहरे थे, और दूसरा फर्क था कि प्रतिशोध की आग से जो तपे हुए गए थे घर से, वैसी प्रतिशोध की आग नहीं थी, स्वर्गीय शांति थी। कर्ण मिले, गांधारी से दुर्योधन भी मिला, कुंतामा को भी प्रणाम किया, और भी कई योद्धों ने उनको, वडिलों को, बुजुर्गों को प्रणाम किया, और रात भर उनकी आपस में गोष्ठी चलती रही। प्रभात हुई, कथा कहती है कि व्यास ने कहा कि अब इनको भेजना मेरा कर्तव्य है, अब विदाई करेंगे। तो योद्धे जो ही गंगा में, जैसे कोई गंगा में गोता मारे त्यों जाने लगे। तो जिनकी पत्नी पत्नियां पति के बिना नहीं रह पाती थी, ऐसी देवियों को व्यास ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तुम्हारे पतियों के लोक में भेज सकता हूँ। जिसको देवी को जाना है ऐसा से स्मरण करे और गंगा में गोता मारे, वो पति लोक को प्राप्त हो जाएगी। कई बहुरानियां ऐसे पति लोक को प्राप्त हुई। लेकिन यह ये बात इतने ही तक नहीं है। राम राज्य के जमाने में भगवान राम ने जब संसार से विदाई लेना चाहा साकार रूप से, तो सरजू किनारे चले गए, और श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रियजनों को कहा कि जिनको इस नश्वर संसार को छोड़कर मेरे धाम में आना है, सरजू में प्रवेश करो। कहते हैं कि अयोध्यावासी तमाम तमाम, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, अधिक अयोध्यावासी सरजू में गोता मारकर भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। ये प्राचीन काल की बात है, मैं अब तुमको अभी जो इस जमाने की बात बता दूं। लालजी महाराज ने मेरे को किसी लड़के के विषय में बताया था कि एक लड़का था, फलाना फलाना उसका नाम था, उसको शिव भक्ति में बड़ी प्रीति थी, बड़ा हृदय का सच्चा था,
माँ बाप ने देखा कि ये भोला भगत है, कहीं साधु बाधु न हो जाए, तो शिवरात्रि की रात को उसको कमरे में बंद कर दिया। बंद तो कमरे में है लेकिन वो शिव मंदिर में पाया गया, ये क्या होता होगा। नरसिंह मेहता जूनागढ़, नाम सुना होगा गुजरातियों, काठियावाड़ी लोग को तो नरसिंह मेहता ना भजन भी गाए थे, नागर ब्राह्मण नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भजन गाते रत्ना और उनकी बहन नरसिंह मेहता की सेवा में, लोगों ने कुप्रचार तो जल्दी फैल जाता है, किसी संत महापुरुष पर कोई गंदा आरोप लगाना हो तो आसानी से, क्योंकि गंदी बुद्धि वाले लोगों की कलयुग में कमी नहीं होती, तो महाराज पर और उनकी शिष्याओं पर आरोप लगा दिया। और गांव में अच्छी बात फैलाते फैलाते तो वर्ष बीत जाते, गंदी बात बिजली के नहीं फैल गई। लड़की के माँ बापों का इनको इज्जत का सवाल लगा, बच्चियों को डांटा फटकारा, सारे जूनागढ़ में वही चर्चा। आखिर समाज ने ये निर्णय किया कि नरसिंह मेहता अपने घर में बैठकर भजन नहीं गाएंगे, गांव के चौराहे पर, चौरे गुजराती माँ के गांव ना चौरे हुए भजन कीर्तन था से। नरसिंह मेहता गांव के चौरे भजन में लगे और विखवाद की बात थी तो लोग और भी टोला बढ़ गया। अब नरसिंह मेहता की आदत थी गाते गाते कंठ सूखता करीब मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास, और रत्ना पानी पहुंचाना है, गंगा जल रखना है। तो ऐसे सेविका को पता चला, उनको तो माँ बाप ने थप्पा थुपी करके कमरे में बंद कर दिया, और अलीगढ़ का ढाई शेर का ताला, छटांग भर की चाबी जेब में लेकर बेटा, बाप और कुटुंबी नरसिंह मेहता के भजनों का क्या स्टंट है, क्या ढोंग है, उस इरादे से देखने गए। नरसिंह मेहता तो सच्चे संत थे, गाते 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 कंठ सूखा, यहाँ कंठ सूखा तो वहाँ कमरे में बैठी हुई रत्ना को वहाँ के गुरु जी को प्यास लगी। ये तो अभी भी आपके मित्र बेटे पुत्र को कुछ कठिनाई होती तो आपके चित्त में आकर्षण हो जाता है, मारो दिक्रो के यहाँ शाम थयू से। एक दूसरे के मित्र को अगर आप याद करते तो एक दूसरे को पता चल जाता है, अथवा कठिनाई में तभी भी हृदय की धबकारें बढ़ जाते हैं। मनुष्य के तो क्या, खरगोश के भी हो जाते, खरगोश के बच्ची को सताओ तो खरगोश के माँ को उसके हृदय में आंदोलन बढ़ जाते हैं, ये विज्ञानियों ने सिद्ध कर दिखाया। आत्मा की एकता इससे साबित हो जाती है। पौधों को, पेड़ पौधों को सींचने वाले माली को 10 माइल दूर रख दिया गया, 5, 7, 10 दिन बिना पानी के बगीचा रहा। फिर उन पेड़ों में सूक्ष्म संवेदनशील यंत्र लगा दिए गए। माली को कहा कि अब तुम जाओ और बगीचों को पानी दूंगा, खाद दूंगा, खूब सींचूंगा, ऐसे भाव करो। माली ने 10 मील दूर भाव किए और पेड़ पौधों में थोड़ी ठंडक यंत्रों ने नोट की, उन्होंने प्रसन्नता नोट की। तो माली के संकल्पों से पेड़ पौधों के घन सुषुप्ति वाले चित्त को भी एहसास हुआ। आप यहां बैठे रहते और हम वहां ध्यान में, गुफा में, अपने नियम में होते हैं या जैसे भी होते हैं, सदा तो नियम नहीं करते, खाते भी हैं, घूमते भी हैं और भी कुछ जो प्रवृत्ति है सब करते हैं, लेकिन आपका चित्त हमारे प्रति होगा कि बापू कब आएंगे और मेरा चित्त होगा कि इनका कैसे भला हो। तो भले हम आमने सामने देर से भी मिलते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति सात्विक आकर्षण और मंगल, ये आप हम एहसास करते हैं। मेरा भी कोई विषय पक्का नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन इधर आके तनिक बैठे आपके मंगल की भावना से जो आया बोल रहे और आपको अच्छा लग रहा है। नरसिंह मेहता के प्यास ने रत्ना देवी को सेवा के लिए प्रेरित कर दिया। उसने मटले में से गिलास भरा, अब बाहर तो ताला लगा है, गुरु को मन ही मन से पानी पिला दिया।
यहां तो कमरे में पिलाती और उसका बाप भाई और लोग देख रहे हैं कि रत्ना नरसिंह मेहता के सामने कैसे आ गई, कैसे पानी पिला रही। नरसिंह मेहता ने गाया, जुओ जुओ पिलो छलियो छली ने जई रहे हो छे केवी अजब एनी लीला रे, ऐसा करके नरसिंह मेहता ने गाया। योग वशिष्ठ पूर्व काल में चलो, अब योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरुदेव कहते कि राम जी ये जो शरीर देखता है वो वास्तविक मनोमय शरीर ही है, सब मन का किया ही होता है, तन तो एक ढांचा मात्र है, जहां मनुष्य का मन होता है वहीं वो होता है। मैंने कई जगह पर इस कथा को दोहराया है। टोपनदास की बहू या लोग पूछने आते टोपनदास घर है, तो बहू बोलती है नहीं वो पेढ़ी पर है। टोपनदास आश्चर्य करता कि मैं पूजा के रूम में 4 बजे जाता हूँ, 10 बजे निकलता हूँ, घी दे जाती है, माचिस रख जाती है, माली हार देने को आता है वो हार छोड़ के गई है, 6 फुट यहाँ बैठा हूँ देखा और फिर भी बोलती है कि ससुरा जी पेढ़ी पे है, एरंडे खरीद रहे हैं, रुई खरीद रहे हैं, काला खरीद ही रहा है, काला के गुजराती फुट्यू सिंधिया में जन फुट्यू पे वठे मुंजो सावरो फुट्यू। थोड़ी देर हुई, दूसरा आदमी आया, कैसे टोपनदास है, बोले है तो सही लेकिन अपनी नई बहू को डांट रहे कि ऐसे है झूठ बोलती है, मैं तो यहां बैठा हूं, ऐसा करके नई बहू को डांट रहे। और कुछ समय बीता, तीसरा व्यक्ति आके टोपनदास है, बोले वो जुतियां सिला रहे अपने पोतों की। अब तो टोपनदास को हैरानी हुई कि ये क्या बोल रही है, मैं तो यहाँ हूं 10 बजे के बाद निकलता हूँ, 20 साल का था तब से मैं सेवा पूजा पाठ करता हूँ, अभी 60 से भी आगे चला गया हूँ, 40-45 साल से मेरा नियम मैंने तोड़ा नहीं, कभी मैं फुटिया खरीदने नहीं गया, कभी मैं चप्पल सिलाने नहीं गया पूजा के समय, ये क्या बोलती है, घड़ी भैंसा चलती नहीं, अब पूजा में तो मन है नहीं तो मजा नहीं आया, तो घड़ी अब गालियां खाती है, लाया खन्ना लत थे मेरा सुई है कारो ये जो पंजा है सिंधियों का मल्टीपर्पज है, लाया खन्ना लत थे बुढ़ी मर, ये हो गई गाली, अर्थात ना लत हो तुझे तू 5ों विकारों में डूब मर। अगर माँ बाप और गुरु प्यार से देता है थे पठ गण पंज थे, है तो 3 लेकिन पंच ले है पंज थे है वठ, अर्थात इन 5ों से तू तर जा ले, तो दुआ हो गई। अब वो घड़ी को तो दुआ भी नहीं लगेगी और श्राप भी नहीं लगेगा, फिर भी मन की भावना के अनुसार ये भैंसा नह थे कारो मुझने थक मैं आज दहन था वजन अच्छा टेमी कौन कौन टेम नहीं गुजरता है। 10 बजे तो बाहर निकले, 10 बजे और बाहर निकले, बहू को बुलाया हे डाच मैं हिते बैठो सीधर बैठा था और तू दे गए थे यार, और बोला कि गए फुटियां खरीदने, बोले शरीर से आप यहां थे लेकिन मन से तो आप रुई खरीद रहे थे ना ससुरा जी माफ करना। अरे क्या आप रुई का दाम मोल तोल कर रहे थे, पूजा तो कर रहे थे लेकिन रुई की खरीदने की बात चल रही थी आपके मन। अच्छा मैंने तो तेरे को डांटा नहीं, जीभ तो मैंने खोली नहीं, फिर तू कैसे बोलती, आपने जीभ से तो नहीं डांटा लेकिन मन से तो मेरे पर आप कुछ ना कुछ बरसा रहे थे। चप्पल सिलाने में कब गया था कि आप कल वेवाई के साथ संबंधी के साथ चप्पल सिलाए तो 8 आने की जगह पे 50 पैसे की जगह पे मोची ने 2 रुपये मांग लिए, आज उस मोची से पोतों की चप्पल चला के कल की कसर निकालने का आप सोच रहे थे। बोले इतना सारा तू कैसे समझ गई, मैं 40-45 साल से पूजा करता हूँ मेरे को नहीं तेरे को कैसे। बोले हमारे नगर में एक संत आए थे जिन्होंने अंतरंग साधना बताई थी, श्वासोश्वास को देखकर मन को एकाग्र करे, मन में क्या क्या बुराइयां आती भलाई आती मन का अनुसंधान करे, इससे दूसरे के मन की बात का पता चल जाता है, एकाग्र मन अनुसंधाती संधान किया हुआ मन, और गुरु जी ने हमें और भी श्वासोश्वास की उपासना और जप ध्यान दिया है।
ससरा कहता है मैं तो 45 साल से बैलगाड़ी में घूम रहा हूँ और तू मानो थोड़े ही दिनों में हवाई जहाज की यात्रा करके देश परदेश की यात्रा में सफल हो गई। तू मुझे मंत्र दीक्षा दे दे, तू मेरी गुरु बन जा। बोले अभी मेरा अधिकार नहीं है, मैं मायके जाऊं तब आप मेरे को लेने के बहाने आ जाना, तो मैं मेरे सदगुरु से मिला दूंगी और वे तुमको अंतरंग दीक्षा देंगे, तो फिर आपकी पूजा यूं होगी साधना। जिन लोगों ने एक दो शिविर भरी है उनको महसूस होता है कि उनके मित्र कुटुंबी माता पिता दादा दादी 12 15 40 साल से 18 साल से 40 साल से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति टोपनदास जैसी है, और जिन्होंने एक दो शिविर भरी और दीक्षा लिए उनकी स्थिति टोपनदास की वो बहुरानी जैसी। तो कितने वर्ष बच जाते हैं सही मार्गदर्शन और अंतरंग मार्गदर्शन होता है। हालांकि वो जो पूजा पाठ करते हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, जो जहाज में उड़ान नहीं भर सकता है तो बैठे बैठे रहने की बजाय बैलगाड़ी वाला ठीक है, साइकिल वाला ठीक है, बस वाला ठीक है, लेकिन हम तो चाहते हैं ये जेट युग है, जल्दी से साधन भजन का स्वाद आए और मन भगवान के सुख में लगे। और जल्दी से स्वाद आपका मन चाहता है, फास्ट युग है और जल्दी से स्वाद मिलता है, इसलिए आपका मन बार बार खींच कर आपको ध्यान योग शिविर नहीं तो कम से कम सत्संग और दर्शन के लिए आपका मन कतार में लगा देता है, क्योंकि उसको जरा सा चस्का लगा है, नहीं तो चस्का लगा वाले को चस्का लगा है, या तो आपको सीधा चस्का लगा है, नहीं तो जिनको चस्का लगा है उनकी दोस्ती के चस्के से भी तुम आ जाते हो और फिर मन चल पड़ता है, बिल्कुल सीधा गणित है। तो मानना पड़ेगा कि आपका मन शुद्ध सुख चाहता है, शुद्ध सुख मिलता है तो ये पान मसाले की आदत वाले बीड़ी की ये गपशप लवार बोलने की व्यर्थ बकबक करने की आदत वाला मन भी शांत तो बैठा है सदा हुआ, तो मन साधने के योग्य है। और आप चाहे तो मन को मौन का प्रसाद दिला सकते हैं, आप चाहे तो कम वाणी से काम चला सकते हैं, आप चाहे तो फजूल खर्च काट कर संयमी जीवन बिता सकते हैं, और आप चाहे तो परमात्मा का पूर्ण सुख पा सकते हो, बिल्कुल पक्की बात है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई आताराम, आंसू मल से हो गए साई आताराम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौनिया कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो गृहस्थ गुरु का दे गृहस्थ साधु करो उपदे, ये गुरु ने वारे न्यारे गुजरात दिशा गाँव पधारे, मृत गाय दिया जीवन दाना तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि लेने जाते कभी मधुकर, तब से वे सत्संग सुनाते सभी आरती शांति पाते, जो आया उद्धार कर दिया भक्त का बेड़ा पार कर दिया, कितने मरणासन्न जिलाए जसन मास अरु मज चुरा, हरि ओम 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 हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम Hari Om 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 Hari Om